सवाल के साथ स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी पर रेफरेंडम होगा, हाँ या ना? आप मानेंगे रेफरेंडम, मानेंगे आप नतीजों को? संजीव भाई देखिए, आज तक बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होता था और एक आसानी से एक केक वॉक मुकाबला होता था। इस बार इनके पसीने छूट रहे हैं और जब पसीने छूट रहे हैं तो भागकर दौड़कर दिल्ली आते हैं। क्या कर रहे हैं ये? कभी कहते नहीं स्कूल में घोटाला हुआ। जी भाई, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कहते हैं बस में घोटाला हुआ। मैं उसे आता हूं, मैं अब बिल्कुल। क्या नतीजे रेफरेंडम मानेंगे? जीते तो ईमानदार, हारे तो बेईमान। आप रेफरेंडम मानेंगे, हाँ या ना नतीजों? गुजरात की जनता ये मान रही है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काम किया। क्या नतीजों को रेफरेंडम मानेंगे आप? गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी के साथ। क्या गुजरात के जनादेश को रेफरेंडम मानेंगे संजीव जी? देखिए बात रेफरेंडम की नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो चुनाव से पहले सरेंडर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। तो आपको लग रहा है कि नहीं आना फिर? क्योंकि ये जो साबित नहीं कर पाए, आप दिल्ली गुजरात की जनता इनको बताएगी 27 साल से जो गुजरात की बदहाली है आज उसके खिलाफ गुजरात की जनता करी है। आज देखिए ना, आप स्कूल के टीचर सड़क पे खड़े हैं, आंगनबाड़ी वर्कर सड़क पे खड़े हैं, सारी बातें मान रहा हूँ, पुलिस अपनी मॉडल सड़क पर है। संजीव जी, मैं सारी बातें मान रहा हूँ, आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो आपके आरोप है। मगर जब कोई चुनाव में जाता है तो आप जीत के भरोसे के साथ जा रहे हैं, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, क्या चुनाव के नतीजे आपकी ईमानदारी पर रेफरेंडम है, हाँ या ना? कह दीजिए नहीं या कह दीजिए हाँ। जनता, गुजरात की जनता जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, साबित करता है कि आम आदमी पार्टी के ईमानदारी के साथ गुजरात की जनता जुड़ रही है। तो और इनको इस बार नहीं जीते तो हारे की बात किंतु परंतु है ही नहीं। हम तो रेफरेंडम है, ठीक है ना? मैं ये बयान संभाल के रखूंगा संजीव भाई। इनके पसीने छूट रहे हैं, जब पसीने छूट रहे हैं अजय आलोक, गुजरात चुनाव किन किन चीजों पर रेफरेंडम आप मानते हैं? कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, अध्यक्ष पद पर, आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर, या ब्रांड मोदी पर? ये मानेंगे ना रेफरेंडम अजय भाई? अमन जी देखिए, कोई भी स्टेट का चुनाव रेफरेंडम नहीं हो सकता है। कोई भी स्टेट का चुनाव मौजूदा सरकार पे विश्वास है या मौजूदा सरकार पे विश्वास नहीं है उसी पे होगा, एक पहली बात। दूसरी बात, तमाम राजनीतिक दल को अधिकार है अपने अपने रेटोरिक देने का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। क्या इसमें कोई शक है? मुझे कांग्रेस के मित्र बताएंगे या आम आदमी पार्टी के मित्र बताएंगे, इस देश में एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो लगातार पिछले 27 वर्षों से एक प्रदेश पे प्यार से शासन कर रही हो और लोगों ने बार बार उस पर विश्वास जताया। एक पार्टी का कोई नाम बता दे। कांग्रेस तो 70 साल सत्ता में रही है देश के, मिला जुला के दाएं बाएं करके, लेकिन लगातार 27 वर्षों तक किसी प्रदेश में रहने का सौभाग्य मिला? आप बहुत बात बोल रहे हैं कि गुजरात को कर्जे में लाद दिया, गुजरात को ये कर दिया वो कर दिया, तो आपके बात बातों में विरोधाभास है। अगर गुजरात इतने कर्जे में है, अगर मान लीजिए आप सत्ता में आ जाते हैं, तो गुजरात की जनता को बताइएगा ना कि आप जो वादे कर रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कहाँ से दीजिएगा? आप जो वादे कर रहे हैं 5 लाख रोजगार देंगे, जब इतनी कर्जे में स्टेट है तो कहाँ से रोजगार निकलेगा वहाँ से? आप जो वादे कर रहे हैं 3 लाख रुपए किसानों के माफ कर देंगे, कहाँ से माफ कर दीजिएगा जब इतना कर्जा में है? आप जो वादे कर रहे हैं कि 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ से दीजिएगा जब स्टेट के पास पैसा नहीं है? तो आप और आम आदमी पार्टी के वादे झूठे हैं क्या? यानी तो ये क्लेम झूठा है कि गुजरात बहुत कर्जे में है, दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती है ना। या आम आदमी पार्टी वाला एक गवर्नेंस इकोनॉमिक्स मॉडल वाला फॉर्मूला चलेगा कि पंजाब बहुत कर्जे में है, लेकिन लो जी हमने बिजली फ्री कर दी, पहली नीति बनाई खनन नीति कोर्ट ने रोक दी, वो मॉडल चलेगा या ये मॉडल चलेगा? सबसे बड़ी बात है गुजरात चुनाव आप लोग के लिए चैलेंज इसलिए है क्योंकि आप लोग को प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन जाएगा सामने? कोई आज तैयार नहीं हो रहा है कि, और कोई ना संजीव झा तैयार हो रहे हैं कि रेफरेंडम है, ना आलोक भाई बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जाएंगे सामने। मोदी जी की लोकप्रियता को आज भी कोई बीट नहीं कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जिस तरह से आप लोग बार बार हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मुसलमान आप आलोक भाई कर रहे हैं, ये नुकसान आपको ही करेगा, इसलिए क्योंकि गुजरात की जनता ने बार बार और हर बार ये बताया है कि उनका विश्वास मोदी जी में है। आपने कहा गुजरात हमेशा से प्रयोगशाला रहा है सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का, 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को वहां शासन करते हुए,
27 में से 9 साल हटा दीजिए तो 14 साल नहीं, अभी आपने कहा था, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपने कहा कि सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा गुजरात में किया गया है। मैंने कहा स्टेट एजेंसी, आपने सेंट्रल एजेंसी का कहा है कि सेंट्रल एजेंसी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग गुजरात में हुआ है। आप देखिए, अगर सेंट्रल एजेंसी का रिवाइंड करके सुन लीजिए तो अभी चलाइए। अब ये बताइए कि सेंट्रल एजेंसीज में से अभी चलाइए ना, 27 साल में सेंट्रल एजेंसीज में से, हाँ सुन लीजिएगा ना भाई, मैं कंप्लीट तो कर लूं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं तो जेन्युइन बात बोल रहा हूं, मैं कोई एक पक्षीय बात नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूँ सेंट्रल एजेंसीज में से 14 साल आपकी कांग्रेस की सरकार रही, तो किसने दुरुपयोग किया? तो फिर लोगों को याद आ जाता है वो सीबीआई, 2009 नरेंद्र मोदी की 15 घंटे की ग्रिलिंग, और एक भी शब्द नहीं, एक शिकायत नहीं। एक ब्रेक ले रहा हूं और उसके बाद लोग को याद आता है राहुल गांधी। ब्रेक ले रहा हूं, लौटूंगा आलोक शर्मा, शहजाद आपके पास आऊंगा, एक ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं।